नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाई प्रोटीन वाला पनीर राइस। इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है, तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है बासमती चावल, विनीगर, नमक, काली मिर्च पाउडर, पनीर के टुकड़े हमने करके ले लिए हैं, और हमने यहाँ पे लिया है बीन्स, एक गाजर, हरे पत्ती वाला कांदा, हरा धनिया और लहसुन लिया है थोड़ा सा। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चावल को पानी में भिगो देते हैं। पानी में हम इसे भिगो के रखेंगे। अब हम सब्जियों को काट लेंगे। पहले हम काटेंगे हरे पत्ती वाला कांदा। इसे हम इस तरीके से बारीक काट लेंगे। ऐसे हम सारे कांदे काट लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारे कांदे यहाँ पे कट के तैयार है। अब हम लहसुन को काट लेंगे बारीक बारीक। इस तरीके से इसे काटेंगे तो इसका छिलटा अपने आप से दूर हो जाता है। बाद में हम इसका छिलटा निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने लहसुन को काट लिया है, इसका छिलटा भी हमने निकाल लिया है। अब हम काटेंगे बीन्स। बीन्स को इस तरीके से आगे पीछे से हम पहले कट कर देंगे, फिर इसे इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। सारी बीन्स हम ऐसे ही काट लेंगे। देखिए, हमारी बीन्स भी यहाँ पे कट के तैयार है। गाजर को भी हम ऐसे ही काट लेंगे। इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा छील लेते हैं। गाजर को हमने छील लिया है। अब हम इसे बीच से काट के बारीक टुकड़ा कर लेंगे इसका। अब हम इसका बारीक टुकड़ा कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने गाजर को भी कट कर लिया है। अब हम हरा धनिया भी बारीक कट कर लेंगे। धनिया भी हमारा कट के तैयार है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे। एक टोप में हमने पानी रखा है। इसमें हम नमक डाल देंगे। पानी को हम उबलने देंगे। कि हमने पानी यहाँ पे रखा था उबलने के लिए। पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल को हम बॉईल होने देंगे। देखिए, अब चावल अच्छे से हमारे पक चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से छान लेंगे। पूरे चावल हम छान के निकाल लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे गैस पर। कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। इसे हम थोड़ा लाल होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ कांदा। कटा हुआ बीन्स, गाजर कटा हुआ, इसे हम मिला लेंगे।
सब्जियों को अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए हमारी सब्जी अच्छी तरीके से यहाँ पे भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर, अब इसमें हम डालेंगे चावल, मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर 1 चम्मच, इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा हाई प्रोटीन पनीर राइस यहाँ पे बनके तैयार है। ये बहुत प्रोटीन वाला होता है, हेल्दी भी होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। खाने में भी ये टेस्टी लगेगा और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।